डीवाईएसपी कन्हान के अंगरक्षक ने टीप के आधार पर छुट्टी के दिन सिविल ड्रेस में स्थानीय थाने में किसी भी प्रकार की कोई सूचना न देते हुए एक ट्रक और जेसीबी पकड़ी है। इस कार्रवाई को लेकर एक और जहां अंगरक्षक विक्की बोखा ने सुर्खियां बटोर रहा है, तो दूसरी तरफ इस कार्रवाई को लेकर इन पर संदेह जताया जा रहा है। रविवार की शाम विक्की बोखारे वलनी होते हुए जा रहे थे, तो उन्हें टीप मिली। इस आधार पर वे रोहना बस्ती से कन्हान नदी के रेती घाट से जा रहे थे। उन्हें एक मिट्टी और रेती मिश्रित ट्रक परिवहन करते दिखाई दिया। गाड़ी को रोककर इसकी जानकारी डीवाईएसपी मुख्तार बागबान को दी गई। उन्होंने खापरखेड़ा थाने में जानकारी देकर पुलिस स्टाफ को घटनास्थल पर भेजा। जांच में पता चला कि रोहना गांव निवासी वृद्ध किसान ने पिछले साल उनकी खेती कन्हान नदी के रोहना रेती घाट मालक को रेती डंप करने के लिए खेत के एक साल किराए पर दी थी। साल भर की अवधि खत्म होने के बाद खेत में रेती की परत जमा थी। किसान गोमकाले को इस साल खेती में बुआई करना था, इसलिए उन्होंने खेत में पड़ी रेती खेत से बाहर फेंकने के लिए एक ट्रैक्टर, एक ट्रक और एक जेसीबी मशीन किराए से लेकर रेती खेत के बाहर फेंकना शुरू किया। दोपहर को किसान गोमकाले अस्पताल गए थे। खेत के आसपास पड़े गड्ढों में खेत की मिट्टी मिश्रित रेती डालने का काम शुरू था। खापरखेड़ा पुलिस ने ट्रक को जब्त किया। गोमकाले के खेत में जाकर जेसीबी मशीन को भी जब्त कर ट्रक और जेसीबी डीवाईएसपी के आदेश पर खापरखेड़ा थाना लाई गई। पुलिस से पूछने पर उन्होंने बताया कि ट्रक में रेती भरी थी और रॉयल्टी नहीं होने से ट्रक को जब्त किया गया। साथ ही ट्रक में जेसीबी मशीन से रेती भरी गई, इसलिए जेसीबी को जब्त किया गया। खापरखेड़ा थाने में जमा कर रेती चोरी की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में जेसीबी और ट्रक चालक मालक पर मामला दर्ज किया गया। इस कार्रवाई के दरमियान घटनास्थल पर पंचायत समिति सदस्य राहुल तिवारी पहुंचे। इस कार्रवाई का उन्होंने निषेध किया। जबरन यह कार्रवाई की गई है, ऐसा उन्होंने कहा है। आदरणीय डीवाईएसपी साहब के बॉडीगार्ड ने कार्रवाई किया, जिसमें एक जेसीबी और एक ट्रक को पकड़ा। मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे तहसील को मालूम है, पूरे गांव को मालूम है, पूरे थाने को मालूम है कि रेती चोरी कब होती, किस समय होती है। वह काश्तकार सुबह 8 बजे 9 बजे से अपने खेत में काम कर रहा, मट्टी मिला हुआ था, रेती मिला तो बाहर कर रहा था, उस पर कार्रवाई किया। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि आज डीवाईएसपी साहब जो है उनका बॉडीगार्ड संडे होने के बाद में, छुट्टी होने के बाद में भी वो अकेला जाकर के वहाँ कार्रवाई करते हैं, जाकर के वहाँ पकड़ते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ ही दिन पूर्व वल्ली में, अभी आपको पता होगा, 353 गुना दाखिल हुआ कुछ रेत माफियाओं के ऊपर में। रेत माफिया धड़ल्ले शुरू है और काश्तकार को यदि पुलिस प्रशासन परेशान करती है तो गलत है, इसको अन्याय को सहेंगे नहीं हम। 100% मैं आदरणीय एसपी साहब से इसकी कंप्लेंट करूंगी, इसकी जांच होनी चाहिए। बिना किसी प्रोड्यूस प्रोडक्शन का अकेला आदमी जाकर के रेड करते हैं, वो खाना पूर्ति है। पुलिस दिखाना चाहती है कि हम रेड पे कार्रवाई कर रहे हैं, रेती के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई जीरो है। बीसीएन न्यूज के लिए खापरखेड़ा से अरुण महाजन की रिपोर्ट।